दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने की गहमागहमी तेज हो गई है और इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा नहीं है, एमएलए तो काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम ही करते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो है चुनाव होने चाहिए और एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली में होनी चाहिए। नहीं, हम किसी भी तरह का जोड़ तोड़ बिल्कुल नहीं करना चाहते। अगर हमको जोड़ तोड़ करना होता तो शायद हमने बहुत पहले कर लिया होता, और इसलिए हमने किसी तरह की खरीद फरोख जोड़ तोड़ हम करना नहीं चाहते हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो तय करना है, उनके पास जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के संदर्भ में जो भी आएगा उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे। और इसलिए हमने कभी भी जाकर के ये क्लेम नहीं किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि अगर कोई हमारे पास ऑप्शन आएगा तो उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। वेदर इलेक्शन करने की बात है, हम इलेक्शन अगर इलेक्शन होता है तो हम तो इलेक्शन में जाने को तैयार हैं। कल इलेक्शन हो जाए, बीजेपी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। हमने कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। अगर वो ये तैयार हैं तो चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चोर दरवाजे से एक तरफ सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अरे एक स्टैंडर्ड रखो ना भाई, दो दो बात क्यों करते हो?